Good morning, my dear student. Today we will start words with T sound. इसके पहले हमने sound A पढ़ा. आज हम T sound को पढ़ते हैं. Okay? तो आइए start करते हैं. ये number one. Number one आप pen. अगर आप बोलोगे तो उसे तो क्या निकलेगा? T sound निकलेगा. Pen. निकल रहा है ना? तो हमारा sound कौन सा होगा? और देखिए अभी मैं सब जितने भी वर्ड लिखे हैं सब में हमारा कौन सा साउंड है? ई साउंड है. तो ये क्या है? पेन है. तो आपको भी ऐसे ही टाइप करना है जैसे हमने राइट किया है. आप पेन फिर उसके बाद उसकी पिक्चर ड्रॉ करना है. ओके, अब देखते हैं सेकेंड नंबर. आ वेश, तो इसको भी आपको क्या करना है? या इसमें भी ई का साउंड आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे ही अपनी कॉपी में राइट करेंगे और उस पिक्चर को ड्रॉ करते हुए चलेंगे. ओके, थर्ड नंबर आ नेक्स्ट. ई नेक्स्ट में क्या होता है? घोंसला होता है. तो ये घोंसला आपको दिख रहा है ना? तो आप यहाँ ऐसे ही राइट करेंगे आ नेक्स्ट. फिर उसके बाद आपको पिक्चर ड्रॉ करना है. साइड में आप लोग पिक्चर ड्रॉ करोगे. अगर आपके पास कलर होगा तो आप कलर भी कर सकते हो. नहीं है कोई बात नहीं, आप लेकिन पिक्चर के जरिए आपको ये सब लिखना है. ओके, फोर्थ नंबर आ नेट. नेट मींस क्या होता है? जाल होता है. तो ये नेट है. आ नेट आपके मुंह से अगर बोलोगे नेट तो किसका साउंड आ रहा है? ई साउंड आ रहा है ना? तो आप इसको टाइप करने के बाद आप रीडिंग भी करोगे. ओके, फिफ्थ नंबर अब सेम इसी तरह से आपको करना है. सिक्स सेवन एट. ओके, आठवीं व्हाट इज दिस? इसकी ये किस चीज की पिक्चर है? आप देख रहे हैं दिस इज ट्री. किस चीज की पिक्चर है? ट्री. अब आप बोलोगे तो किससे साउंड निकलेगा? ई का. तो ये ट्री आ ट्री. ओके, अब देखते हैं सिक्स नंबर आ सेट. सेट इसमें भी ई का साउंड है. आ बी, बी में भी ई का साउंड है. और आ वेल, वेल में भी ई का साउंड है. ओके, तो इसको आप रीडिंग करो फिर से एक बार. जब कहते हैं आ पेन, आ वेश, आ नेट, आ नेट, आ ट्री, आ सेट, आ बी,